तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करें और इसे इंस्टॉल कैसे करें, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बना देता हूँ। इसे डाउनलोड करने से पहले चलिए हम क्विकली ये जान लेते हैं कि 3D एनिमेशन के लिए ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ही सबसे अच्छा क्यों है। तो इसके पीछे तीन बड़े कारण है। नंबर वन, ब्लेंडर में आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग और भी बहुत कुछ। नंबर टू, ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और पूरी तरह से फ्री है। नंबर थ्री, ब्लेंडर को आप एक लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी या लैपटॉप में भी बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, इसलिए कोई भी अगर 3D एनिमेशन सीखना चाहता है तो उसके लिए ब्लेंडर एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। ऑलराइट, तो अब हम ब्लेंडर को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हमें गूगल पे ब्लेंडर सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको जो पहली वेबसाइट दिख रही है blender.org, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड ब्लेंडर 3.5.1 जो ये लेटेस्ट वर्जन है वो दिख रहा है। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप यहीं से सीधे डाउनलोड कर लें, और अगर आपके पास मैक वैसे लिनक्स है तो आप यहाँ से इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर सीधे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको ब्लेंडर से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप ब्लेंडर में 3D एनिमेशन सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको ब्लेंडर के ट्यूटोरियल्स देखना होगा। कुछ ट्यूटोरियल्स आपको फ्री मिलेंगे और कुछ पेड, लेकिन अगर आप फ्री में ब्लेंडर सीखना चाहते हो वो भी हिंदी में, तो हमारे चैनल पे ब्लेंडर की बिगनर से एडवांस तक की एक सीरीज चल रही है। तो अगर आप पहली बार ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो इन वीडियोस को देख के आप बड़ी ही आसानी से ब्लेंडर सीख सकते हो। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ऑलराइट, तो अब ब्लेंडर डाउनलोड हो चुका है। आप इसे अपने फाइल मैनेजर में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ सीधे डाउनलोड बटन पे जाके भी इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ब्लेंडर को इंस्टॉल करना है, इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आपको फिनिश करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडर 3.5 जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। अगर आपको 3D एनिमेशन करना है तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। तो ये हो गया ब्लेंडर ओपन। अब इसके आगे की डिटेल मैंने ब्लेंडर की ट्यूटोरियल वीडियो में बताया है, वो वाली वीडियो देखने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आप पूरा ब्लेंडर सिर्फ 45 मिनट में सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।